ओके माइक वाइक सब है इसमें तो करो भाई। हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे इंडिकेटर का वो है ना इंडिकेटर लगा हुआ आता है तो भाई ने वो हटवा दिया और ये फरारी के साइड लगवा दिया। और ये मुझे चीज अच्छी लगी है यार, ये क्या गजब है भाई, ये इसमें जो भी सब आवाजें भी हैं। अच्छा ओके, ये देख लो। अरे भाई तो हूटर की जरूरत क्या है? तो भाई ये तो इल्लीगल मामला है फिर है। पुलिस अपनी है भाई, ये सेल्टोस हटा लो, ये सामने किसकी गाड़ी है, हटाओ इसे जल्दी। हेलो दोस्तों, भाई आज मैं लेके आपके लिए मारुति सुजुकी स्विफ्ट, भाई सामने देख लो मॉडिफाइड है, जैसे एलॉय व्हील वगैरह भी देख रहे हो ना आप। भाई इसका जो साइज है वो भाई से बात करेंगे जो इसके ओनर हैं, उनसे बात करने वाले हैं। बाकी एक चीज बता देता हूँ, इसमें ना मॉडिफिकेशन में क्या क्या हो रखा है, पीछे भी जैसे लाइट्स वगैरह है ना बिल्कुल चेंज है, मतलब मिनी कूपर वाली लाइट है ना। तो भाई सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे नए नए कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। नई नई मॉडिफाइड गाड़ियाँ पकड़ो, अगर मॉडिफाइड का आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो भाई कमेंट सेक्शन में बताया करो कि वासु भाई ऐसे ही कंटेंट लेके आओ, क्योंकि भाई मोटिवेशन मिलती है थोड़ी सी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइबर बढ़ते रहते हैं तो भाई बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने की, और आप ही के लिए बनाते भाई, और किसी के लिए तो बनाते नहीं है। और भाई अभी इसके साथ चलते हैं गाड़ी के ओनर के पास। बढ़िया भाई, नाम बता दो भाई अपना। राहुल बैसला भाई। राहुल बैसला, तो बैसला जी ये बता दो कब ली थी गाड़ी? है भाई 2019। कौन सा वेरिएंट है भाई ये? ये भाई अलेक्सा है, बेस मॉडल जिसे बोलते हैं। ओके, तो भाई कितने की पड़ी थी उस टाइम पे? ये भाई 672 की। अब मुझे एक चीज बता दो यार, जैसे मॉडिफिकेशन करा रखी है इसमें, तो ये मॉडिफिकेशन के पर्पस से ही ली थी आपने? हां भाई मॉडिफिकेशन। अच्छा, पहले ही सोचा हुआ था? हाँ यार, वैसे होता है ये कि मतलब बेस वेरिएंट ज्यादातर मॉडिफिकेशन के पर्पस से लेते हैं पब्लिक है। और स्विफ्ट तो ऐसी गाड़ी है भाई जैसे देख रहे हो ना, यूथ के लिए ज्यादा बनी हुई है अब ठीक है। तो भाई इसमें क्या क्या काम करा रखा है आपने ये बता दो। इसमें एलईडी अलॉय। अच्छा हेडलाइट वही है? स्टॉक स्टॉक नहीं, एलईडी लग रही है इसमें, मतलब हेडलाइट वही है जो आती है? अच्छा हेडलाइट वही है, बाकी इसमें एलईडी आपने डलवा रखी है? कितने वाट की एलईडी डलवा रखी है? भूल गए। अच्छा नीचे नीचे फॉग लैंप है भाई ये। अच्छा ठीक है भाई, इसमें तो बल्ब भी गायब है? बल्ब गायब नहीं, बल्ब जलता है भाई। अच्छा फूट गया, ठीक है भाई। और ग्रिल वगैरह सारी ये स्टॉक ही है जैसी आती है ना, ठीक है। और भाई एलोए का सीन बताओ यार मुझे, कितने इंच के एलोए हैं ये? 17 इंच के एलोए हैं ये हैं भाई, ये देख लो इनक्यूबस के एलोए हैं, है ना। कितने के पड़े थे भाई ये? भाई 50,000 के पड़े थे। 50,000 के विद टायर? अच्छा टायर वगैरह देख लो भाई, ये मतलब टायर के साथ ना एलोए 50,000 का पड़ा था सेटअप, है ना। कहाँ से डलवाए थे भाई ये? करोल बाग। ओके तो भाई ये देख लो, ये जो सीन है ना एलोएज वगैरह मॉडिफिकेशन करोल बाग में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि भाई हब है वहाँ पे। ये क्या है भाई, फरारी का साइन देख रहा हूँ मैं है। ओ ये देख लो भाई, बड़ा मतलब बढ़िया लगता है इसलिए भाई ने लगवा रखा है। यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे इंडिकेटर का वो है ना इंडिकेटर लगा हुआ आता है तो भाई ने वो हटवा दिया और ये फरारी के साइड लगवा दिया, और कह रहे हैं बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, सही बात है भाई। शीशे वगैरह टिंट करा रखे हैं भाई ने, तो भाई ये तो इल्लीगल मामला है फिर है। पुलिस अपनी है, सरकार अपनी है भाई इनकी। चलो जी पुलिस अपनी है, और बाकी अगर किसी को कराने भाई तो जैसे भाई ने करा रखे तो अपने दम पे करा लेना, है ना। ठीक है भाई, और पीछे की साइड आते हैं भाई, ये देख लो ये पिलर लाइट्स बोलते हैं ना। तो हेडलाइट्स भाई कौन से, सॉरी हेडलाइट कह रहा हूँ, टेल लाइट कौन सी है भाई? ये टेल लाइट भाई मिनी कूपर की है, ताइवान वाली है। अच्छा ताइवान वाली है भाई, जैसे मैं देख रहा हूँ ना ये किसी का फ्लैग भी बनता है अगर इन दोनों टेल लाइट को, इंग्लैंड का फ्लैग है ना। अभी आ रहे थे ना भाई आगे आगे तो मैं यही देख रहा था, मैंने कहा यार इन लाइटों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए ये इंग्लैंड का फ्लैग सा मुझे कुछ समझ में आ रहा है ना। और बाकी भाई कैमरा वगैरह तो इसमें आता नहीं है, लगवाया आपने? अच्छा ठीक है, और पार्किंग सेंसर वगैरह सब इसमें मिल जाते हैं, ठीक है भाई। और ये स्पॉइलर, ये कितने का पड़ा था भाई? 2000, ठीक है। तो ये देख लो ये थोड़ा सा प्लास्टिक वाला सही है, करोल बाग मिला था। और बाकी ये देख लो भाई लाइट्स यार इस गाड़ी की बहुत प्यारी लग रही है, पीछे से देख रहे हो लुक गाड़ी का, बहुत ही गजब की लाइट लग रही है। और एक बार भाई ना ऑन करके दिखाओ यार, इतनी बढ़िया चीज इतनी बेहतरीन लगवा रखे तो इन्हें ऑन करके दिखाओ कैसी जलती हैं। ये देख लो भाई, वैसे दिन में पता नहीं इतना कुछ खास दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन नाइट में जो इनका भाई आउटपुट है ना बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। देख लो पिलर लाइट भी जल रही है, ये भी जल रही है। ये किस चीज का साइन बनवाया हुआ है भाई? ये भाई ये हमारे दिलसाद गार्डन में दुकान है। हाँ जब इसको कुछ काम कराते हैं ना तो अपना लोगो लगा। दिलसाद गार्डन में कौन सी दुकान है? अच्छा अच्छा उनका साइन है, ठीक है। अभी मैंने एक गाड़ी कवर की थी ब्रेजा इधर की रोहिणी साइड की, उन्होंने तो भाई डैन बिल्जियन का लगा रहा था, मुझे लगा कुछ ऐसे भाई भी किसी से इंस्पायर्ड हो। ये भाई बाकी देख रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, ये साक्षी एंट्रेंस तो लगवाया है ना आपने? ये आता नहीं है, ठीक है। और लाइट्स वगैरह ये जो मैं देख रहा हूँ टेल लाइट ताइवान वाली बता रहे हो आप, ये कितने का सेटअप पड़ा था भाई? 12,000 की दोनों। और ये पिलर लाइट 2,000 रुपए की। अच्छा भाई इसमें ना म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा खासा लगवा रखा है, भाई ने भी बता रहे थे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि म्यूजिक सिस्टम आपको दिखाने वाला हूँ इसमें कैसा लगा हुआ है। तो गाड़ी का एक बार ओवरव्यू देता हूँ भाई, गाड़ी देखो आप
पीछे का लुक मुझे नो डाउट भाई बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा आगे से भाई आपने ज्यादा कुछ काम नहीं करा रखा इसमें, क्या क्या काम कराने वाले हो? भाई ग्रिल चेंज होगी जिसकी अगली वाली आरएस ग्रिल आती है जो वो लगेगी। हां हां, बाकी इसमें टॉप मॉडल की जो लाइट आती है हेडलाइट वो लगेगी। अच्छा टॉप मॉडल वाली हेडलाइट लगवाओगे, ठीक है। तो भाई एक बार गाड़ी के अंदर बैठ लेते हैं, धूप भी इतनी हो रही है। तो भाई गाड़ी के अंदर का सीन दिखाता हूँ आपको, ये देख लो कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर मिलता है आपको। और अभी भाई जैसे ना इसमें काम कराने वाले हैं, तो भाई जब भाई काम करा लेंगे ना उसके बाद भी एक वीडियो लेके आएंगे। और ये देख लो भाई फुल्ली अंधेरा हो गया है, इसमें सनरूफ भी ऐड करवा लो भाई। सनरूफ भाई नहीं नहीं, बिल्ड क्वालिटी इतनी बेकार वैसी है इसकी। अच्छा भाई, भाई मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ, भाई पहले कह रहे बिल्ड क्वालिटी इसकी बेकार है, ठीक है। तो वैसे तो यार इसे स्टार कितने मिले हैं भाई? भाई स्टार में तो बिल्ड क्वालिटी में देखो तो इसे तो एक ही मिला हुआ है, अगर वैसे देखो उसके परफॉर्मेंस जैसे तो हाँ। 5-5 स्टार। अच्छा मतलब परफॉर्मेंस अच्छी है गाड़ी की है ना, इंजन विंजन पावर गाड़ी की। हाँ तो कितने किलोमीटर चला ली भाई आपने? ये चल गई है मेरी, ये तो मीटर चेंज कराया था तो ये 0 से हो गया था दोबारा। अच्छा टोटल चल गई 26,000। अच्छा एक चीज और भाई, ये बेस वेरिएंट में ऐसा मीटर तो नहीं आता लगाया भाई, उसमें तो सिर्फ ओडोमीटर आता है ना, आरपीएम मीटर नहीं आता, वो बेकार सा आता गोल सा। तो ये टॉप मॉडल वाला लगवाया आपने? ये भाई टॉप से ZXI ऑप्शन आती है। हाँ बिल्कुल टॉप उसका मीटर है। अच्छा तो भाई ये देख लो अंदर से भाई ने क्या मेन काम क्या करा रखा है कि भाई ने ना मीटर बिल्कुल चेंज करा रखा है ना। और नीचे देख लो ये भी स्क्रीन वगैरह लगवाई है भाई। तो म्यूजिक सिस्टम भाई एक बार सुनना चाहेंगे, म्यूजिक सिस्टम सुना दो भाई आप, इसका क्या आउटपुट निकल गया था म्यूजिक सिस्टम का? पीछे ये देख लो भाई, पीछे बेस ट्यूब रखी हुई है, ये क्या कर रखा है भाई? ये डिक्की में नहीं रखी क्या? नहीं भाई सीएनजी है ना ये। अच्छा अरे भाई ये कैसे भूल गए, अभी जाएंगे भाई डिक्की की साइड, पहले म्यूजिक सिस्टम सुन लेते हैं। म्यूजिक सिस्टम भाई ने इतना खतरनाक लगवा रखा है, मतलब शोर ही मचा दिया भाई। कितने का लगवाया था ये? ये भाई 35,000 का पड़ा था टोटल सारा। अच्छा म्यूजिक सिस्टम 35,000 का पड़ा था, जिसमें स्क्रीन वगैरह सब है, बूफर वगैरह है ना। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स वगैरह क्या क्या लगवा रखे हैं भाई? इसमें ब्लू पंख के तो कंपोनेंट्स हैं। ओके चार ट्विटर आते हैं, 7 कंपोनेंट। अच्छा ये कंपोनेंट्स के साथ ट्विटर है ना, और ये माइक का सेटअप भी भाई आपने लगवा रखा है, मतलब ब्लूटूथ वाला पूरा सिस्टम जो होता है ना, कॉलिंग वगैरह कर सकते हो है ना, ठीक है। और भाई ये देख लो जैसे स्टीयरिंग में इसमें कोई माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह तो नहीं मिलते, लेकिन टिल्ट मिल जाता है आई थिंक, ये देख लो। हाँ टिल्ट जो है स्टीयरिंग मिल जाता है, बाकी टेलीस्कोपिक नहीं मिलता भाई। एसी कैसा है इस गाड़ी का? एसी भाई बहुत बढ़िया, एसी बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो आगे इंटीरियर में क्या क्या चेंज कराने वाले हो गाड़ी में भाई? इसमें एक तो ये लगने वाला है कंट्रोल, कंट्रोल वगैरह, बाकी मीटर तो कराई दिया। हाँ भाई कुछ भी नहीं दे रहा अंदर से तो बाकी। अच्छा वैसे नहीं कराना कि भाई रूफ ब्लैक या ये सब? अच्छा तो ब्लैक तो भाई नहीं करवानी, नहीं करवानी, मजा नहीं आता, ठीक है। और इंटीरियर देख लो जैसे कंप्लीट ब्लैक है भाई, इंटीरियर बढ़िया लगता है इसका? हाँ भाई बिल्कुल बढ़िया। बाकी यार थोड़ी सी ना इसकी बिल्ड क्वालिटी बात करते हैं, जैसे भाई स्विफ्ट है, आप तो 1 स्टार बता रहे थे, मेरे हिसाब से 0 स्टार है इसे। जीरो है ना, तो भाई इसका लेने का पर्पज मेनली होता क्या है भाई? मॉडिफाई के लिए है ना, मेरे जैसा लड़का हो तो मॉडिफाई के लिए। ये चीज मेरे दिमाग में भी घूमती रहती है कि भाई अगर कोई बंदा स्विफ्ट ले रहा है ना, तो वैसे तो ज्यादातर लोग वही लेते हैं जो लोंडे लवारे बोल दो है ना, अपने जैसे यूथ वाले बंदे लेते हैं। और भाई उनसे तुम कितनी कह लो भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी नहीं है भाई, इसका नहीं कह रहा, कोई बात नहीं स्विफ्ट है ना तो मॉडिफिकेशन अच्छी होगी, बात खत्म। तो ये वाला सीन रहता है भाई है ना। और पावर विंडो वगैरह भाई मैं देख रहा हूँ जैसे कराई हुई है आपने? नहीं भाई LXI में जो दो आती हैं। अच्छा पीछे वाली नहीं आती? अच्छा पीछे वाली अब भी नहीं है? अब भी नहीं, वही हेलीकॉप्टर वाला सीन है अभी। वही ओके, अब हमें तो आगे बैठना, पीछे वाला अपना आप करता रहे जो करेगा। यार ये बढ़िया था, पीछे वाला अपने आप करता रहेगा, अपने को तो मिल रही है ना पावर विंडो, ठीक है। और भाई इधर मैं देख रहा हूँ ये क्या क्या लग रहा है? ये भाई हुटर था पुलिस वाला, ये मैंने हटवा दिया, पुलिस वाला हुटर हटवा दिया है। ओके तो और क्या क्या लगा हुआ है भाई? ये वाला हुटर लगा था भाई। ये कौन सा है भाई? माइक वाला भाई, इसमें 24 आवाज है। अच्छा सुना देता हूँ आपको मैं। ओके ओके माइक वाइक सब है इसमें, तो करो भाई। हेलो 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 दिखाना, प्रेस करके छोड़ देना, प्रेस नहीं प्रेस करके रखो भाई। ये सेल्टोस हटा लो, ये सामने किसकी खड़ी है, हटाओ इसे जल्दी। लो भाई हमने चेक भी कर लिया है, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम रहता है भाई, देख लो ये मुझे चीज अच्छी लगी है यार, ये क्या गजब है भाई, ये इसमें 24 आवाजें भी हैं। अच्छा ओके ये देख लो, अरे भाई तो हुटर की जरूरत क्या है? कुछ भी नहीं भाई, यही काम कर रहा है फिर तो। बहुत बढ़िया भाई, ये जबरदस्त चीज है भाई। कितने का पड़ा था ये भाई? वैसे तो अगर आप एक लोगों 3,000 का, मैंने इसमें 2 बाल्टी करवा रखी है। हाँ तो 5,000 रुपए पड़ी थी मुझे। अच्छा 5,000 रुपए की बाल्टी पड़ी थी ना, लगवा रखी है ना ज्यादा। तो भाई एक बात बताओ, कहीं बजा बजा के पुलिस वाले आ जाए? खैर भाई ने पहले ही बोल दिया पुलिस वाले अपने, ऐसा ना हो भाई गाड़ी का नंबर देख के कोई चलान भेज दे, ऐसा मत करना भाई। भेज दो उनकी जैसे मन करे वैसे कर लो। अरे बाप रे ये होता है भाई, ये देखो मतलब भाई
आप लोग मत करा लेना, देखा देखी चलान कट जाएगा। अभी ये भी था, ये कल परसों कटवाया। ये आगे का टिंट था, सारी टिंट थी गाड़ी। अच्छा, पीछे लग गए थे इसीलिए। बाकी एक थोड़ी थोड़ी चीजें बता देता हूँ, जैसे आर्मरेस्ट भाई इसमें नहीं मिलता है आपको, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। और इधर देख लो 12 वोल्ट का सॉकेट चार्जर, ये भाई ने जो है सायरन वगैरह हटवा दिया है। बाकी थोड़ा सा स्पेस यहाँ मिल जाता है, दो कप होल्डर मिल जाते हैं। एक बार भाई डिक्की में चलते हैं, डिक्की में हम नहीं चलेंगे, डिक्की एक बार चेक करेंगे कैसा सीन है भाई डिक्की का। मतलब भाई बता रहे हैं इसमें ना सीएनजी लगी हुई है। और मेन बात भाई पेट्रोल में ना आजकल सीन ऐसा ही हो गया कि भाई बहुत ज़्यादा खाने लगी हैं गाड़ियाँ। और पेट्रोल की गाड़ियाँ आजकल सिटी में 10, 11, 12 इससे ज़्यादा कोई माइलेज वगैरह निकाल नहीं रहे, हाईवे पे थोड़ा बहुत सही भी निकाल देती हैं। तो ये भाई देख लो अपनी हो गई है डिक्की ओपन। और ये देख लो भाई ये बेस्ट्यू भाई ने कैसे बांध रखी है, सही है, हिलती रहती होगी भाई ये तो। ओके, तो भाई सीएनजी कितने की लगवाई थी? 50,000 की भाई। लेते ही लगवा दी थी क्या? नहीं बाद में। अच्छा, एवरेज का बहुत ही बेकार हो गया, अलग लगने बाहर चल रहा है। तो ये कौन सी है भाई, सिक्वेंस से लगे? हाँ भाई। अच्छा, तो अब कितना फर्क पड़ा है भाई माइलेज पे? भाई माइलेज तो मैं सच बताऊँ तो अभी बेकार है इसका, है ना। ये दो तीन लोगों से मैंने थोड़ा सा ना देख लिया है कि भाई सीएनजी लगवाने के बाद भी 4-5 पॉइंट का फर्क पड़ रहा है, तो क्या फायदा 50,000 रुपए फूकने का? अरे यार चलो, हाँ पावर भी मिलती है और अब थोड़ा सा पावर में भी दिक्कत आ गई होगी, है ना। और भाई ऐसे ही देख रहे हो ना पीछे की लाइट वगैरह पड़ी, भाई जल्दी में ही चेंज कराएंगे लाइट तो? जल्दी में करवाएंगे, 6 महीने पहले। 6 महीने पहले करवाई है? ओके, तो भाई ऐसा सीन है, देख लो सीएनजी वगैरह। और यहाँ पे बेस ट्यूब, तो बूट स्पेस थोड़ा बहुत बच रहा है, जो थोड़ा बहुत सामान रख लिया। बैग वगैरह तो मैं नहीं बोलूंगा कि ज्यादा, हाँ अच्छा जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है भाई। और कौन कौन सी गाड़ियाँ ऑन करते हो आप? भाई गाड़ी अभी यही है, स्कॉर्पियो की सोच। अच्छा, स्कॉर्पियो जो नई वाली आई है? नहीं पुरानी वाली भाई, ब्लैक वाली। नहीं अच्छी लग रही? नहीं तो बेकार है भाई। ये देख लो भाई सीन, मतलब स्कॉर्पियो है ना। अच्छा पीछे से तो बिल्कुल भी अच्छी लग रही नई वाली। बड़ी वैगनार भाई कह रहे हैं, बड़ी वैगनार कह लेना भाई, आगे आ जाओ भाई। देख लो बैसला साहब कह रहे हैं नई बड़ी वाली वैगनार बना दी है वो स्कॉर्पियो एन जो है पीछे से, और वो आप प्लान कर रहे हो लेकिन पुरानी वाली का है ना। अच्छा, अगर कोई मान लो भाई प्लान कर रहा है स्कॉर्पियो का, तो आप क्या सजेशन दोगे भाई? जब जैसे अगर फीचर अच्छी ज्यादा चाहिए, छत खुलने वाली चाहिए, हाँ। पुराने दिन का, तो भाई लो, बिल्कुल लो। हाँ। ये शहरी आदमी तो लेगा ही। हाँ। अब हमें चाहिए धाक। सही बात है, भाई को चाहिए भाई धाक, और भाई को चाहिए पुराने वाली स्कॉर्पियो दे सकती है धाक है, बाकी उसमें एलॉय वगैरह डलवा दो और ज्यादा बढ़िया हो जाती है। और भाई एक चीज और, जैसे गाड़ी में पॉजिटिव्स होते हैं तो भाई नेगेटिव्स भी होते हैं, तो इस गाड़ी के नेगेटिव्स बता दो जरा। नेगेटिव्स आपको बता देता हूं मैंने भाई, इसकी बिल्कुल क्वालिटी बिल्कुल घटिया है। हाँ। और भाई पॉजिटिव ये है कि गाड़ी की पावर बहुत है। पावर कैडी है। अच्छा, नेगेटिव हो गया भाई बिल्ड क्वालिटी, और पॉजिटिव ऐसी है कि इंजन है ना। ओके ओके, और रेटिंग की अगर बात करें तो भाई आउट ऑफ 10 कितने रेटिंग दोगे आप इसे? मैं तो भाई से 10 ही दूंगा अपनी बात। 10 ही दोगे? अच्छा, नंबर निकाटने तो बहुत प्यार लगती है भाई। सही बात है। एक बात और भी है ना, जो बंदा अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन करता है उसे तो बहुत ही ज्यादा प्यार लगती है ना। अच्छा, कहाँ कहाँ चले गए? मतलब इंस्टाग्राम पे फेमस हो रखी है, रील वगैरह डालते रहते हो डेली? तो भाई एक काम करने का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का, जाके फॉलो कर लेना। वैसे नाम बता दो, किस नाम से है? राहुल बैसला 41। चलो कोई बात नहीं, समझ में भी ना आए तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और जाके लिंक पे क्लिक करना और आप उसे भाई को फॉलो कर लेना। तो चलो, थैंक यू बैसला भाई अपना टाइम देने के लिए। तो ये थे भाई अपने साथ राहुल बैसला, जिन्होंने अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर किया। भाई अभी इन्होंने ये कितने किलोमीटर चलाई भाई? 26,000। तो भाई ये 26,000 किलोमीटर के आसपास इन्होंने चलाई, उस बेस पे भाई एक्सपीरियंस शेयर किया है। मॉडिफिकेशन बताइए, क्या क्या कराया, कितने का काम करा रखा है भाई? ओवरऑल अगर पूछो तो कितना काम करा दिया? 2,00,000 रुपये, मतलब 2,00,000 इसमें लगा दिए हैं। ठीक है, तो भाई इसमें ना 2,00,000 रुपये के आसपास भाई ने लगा दिए हैं और 26,000 के आसपास चला दिए। सीएनजी भी लगवा रखी है। मेन बात क्या है, इस गाड़ी की पीछे का लुक मुझे बहुत प्यारा लगा इस गाड़ी का। ये देख लो लाइट्स वगैरह बहुत ही प्यारी लगी है इसकी, मतलब ताइवान वगैरह के जो बोल रहे हैं। और फ्लैग मैंने बताया, ये थोड़ा सा ना इंग्लैंड वाला फ्लैग सा भी लग रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में बताया करो मुझे सारी चीज़ें कैसी लगी वीडियो, कैसी नहीं लगी, क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। आपके नोट में कौन सी गाड़ी है जो आप बता सकते हो, या किसी भाई को और भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू कराना है या शेयर करना है, मॉडिफाइड हो या भाई नॉर्मल गाड़ी भी होगी तो उसका ओनरशिप रिव्यू लेंगे तो भाई करा सकता है। अगर आप करना चाहते हो तो भाई बिल्कुल शेयर करेंगे। तो चलो भाई वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ। बाय।